दोस्तों आज मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलूंगा, बिल्कुल परीक्षा जैसा आपको माहौल मिलेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है शॉर्ट हैंड को लिखने में, स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां आपकी अधिक आ रही हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें हमारी सुबह और शाम दोनों ही समय रहती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी, और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइनें तैयार की हैं, इनकी बुक भी तैयार की हैं, और इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में। आप उनको भी ले सकते हैं, उनसे आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। अभी मैं आपको एक डिक्टेशन बोलूँगा, डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहिए, कुछ ही सेकेंड में डिक्टेशन बोलने वाली है। रेडी। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व समुदाय की एक प्रतिनिधि संस्था है और सुरक्षा परिषद उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता विश्व स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करती है। भारत विगत 20 वर्षों से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, परंतु इसकी स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयास को उस समय धक्का लगा जब वह 1996 में 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहा था। परंतु 12 अक्टूबर 2010 को स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में भारत सफल रहा। उसे अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए 192 में से 187 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। उसकी स्थायी सदस्यता के दावे के संबंध में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पैराचेंज। भारत विगत कुछ वर्षों से विभिन्न क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग करता आ रहा है। सार्क, इप्सा, ब्रिक, G20 समूह आदि समूहों द्वारा सुरक्षा के पुनर्गठन की मांग उठाई जाती रही है। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा द्विपक्षीय प्रस्तावों व घोषणा पत्रों में भी सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग सम्मिलित की जाती रही है। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी दोनों वर्गों की सदस्यता में वृद्धि करने का पक्षपाती है। वह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। सुरक्षा परिषद के विस्तार के पीछे मुख्य तर्क यह है कि गत 20 वर्षों में विश्व की सामाजिक, आर्थिक और राजनीति परिस्थितियों तथा शक्ति संतुलन में व्यापक फेरबदल हुआ है। इसलिए समय की मांग के अनुरूप विकासशील तथा अन्य उभरते देशों को सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना अति आवश्यक है। सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग प्रजातांत्रिक होने के साथ साथ इसे समकालीन परिवेश में प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। सन 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया।
किंतु स्थायी सदस्यों की संख्या 5 रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सन 1992 में बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गए। उन्होंने अपने कार्यकाल का आरंभ सुरक्षा परिषद के प्रथम शिखर सम्मेलन से किया। इस सम्मेलन में उन्होंने बदलती हुई परिस्थिति व नई चुनौतियों के आलोक में सुरक्षा परिषद को प्रभावी बनाने हेतु उसमें सुधार किए जाने का प्रस्ताव किया। जर्मनी व जापान अमेरिका के बाद दूसरे व तीसरे सबसे बड़े संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदानकर्ता देश बन गए और उन्होंने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की। उधर ब्राजील, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है, तथा भारत, जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की 5 मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।